ဒီဗီဒီယိုလေးအစမဲ့စားတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟီလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့ဒီတရရအရန်6တဲဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့တက်ပိန်ကိုဒီတွားရောက်ဆောက်ဖွေရိုက်ကူထားတဲ့ဒီဟူကာဟူကြတရရဆောက်ဖွေသူတွေရဲ့တရရဗီဒီယိုလေးတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တကယ်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းတယ်ဒီကြောက်စရာလဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာ
प्रोग्राम देखते थे, उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पर आएँ और इन्वेस्टिगेट करें रात के इस पहर पे। तो हम यहाँ पर आए हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है। वकास भाई पहले हम इस तरफ चलते हैं, ये ज़रा दिखाते हैं, फिर घर की तरफ चलते ये हैं। दरबार का सारा एरिया चलो है ये, आगे आओ जरा। मैं बैग से वो ले लूँ। प्रकाश ये दिखाओ, ये बोर्ड का दरख्त है जो कि बाबा जी की जगह है। ये तो माशाल्लाह बड़ा इनका नाम है। भाई तो अभी उनकी यही कोशिश है कि जो अल्लाह की मखलूब लोगों को तंग करती है उनको मना किया जाए और यहाँ से उनको भगा दिया जाए, लेकिन वो इतनी ज़िद्दी हैं वो जा नहीं रही यहाँ से। अक्सर वो मार भी खाती हैं, उनके साथ जुल्म भी होता है, जिस तरह आप समझ लें कि बाबा जी मना करते हैं कि यहाँ से चले जाएं, और आपको जगह भी दिखाते हैं इनकी। और आगे आगे आओ विकास। ये बोर्ड का दरख्त बताया जा रहा है कि 300 साल से भी पुराना दरख्त है ये, और हाँ, यहाँ पे कहते हैं पार्टीशन से पहले का। और वो हाँ, चलाओ जरा इसके करीब। भैया अजीब है ना। पुराना लग रहा है। तुम्हें परफ्यूम लगाई हुई है? परफ्यूम लगी हुई है यार। अल्लाह का नाम लो, आ जाओ अब आए तो। मैंने आप लोगों को कितने दो यार, ये दरख्त की माशाल्लाह से चौड़ाई देखो कितनी है, 10 फीट से भी ज्यादा लगती है ना, ज्यादा चौड़ाई है इसकी, 10 फुट से भी ज्यादा है। इस साइड पे आओ। क्या हुआ, तुम खामोश हो गए हो भाई? मुझे कुछ यार महसूस हो रहा है यहाँ पे, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ये देखें जी, अभी आवाज़ आई है और हमें पता नहीं चला किस साइड से आई है, लेकिन हम बाबा जी की हदूद में खड़े हुए हैं। इनको बोल देते हैं कि हम माजरत ख्वाह कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए बाबा जी हमें। कौन कौन कौन, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? किसी आदमी की आवाज। कौन हो? किसी की आवाज है, कोई आदमी है, कोई आदमी है, आदमी है यार। किस तरह की आवाज निकाल रहा है, कौन है? कौन है? आओ इधर आओ पहले। वकास इधर आओ। क्या वाले रे, ये जो आप देख रहे हैं ये कब्र मुबारक, और यहाँ से बताया जा रहा है कि रोने की आवाज़ें आती हैं इस मिट्टी वाली जगह पे। तो हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ के कि अगर कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर देना। तो बताया जाता है कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं, काफ़ी शोर मचा हुआ है गांव में, और अक्सर लोग यहाँ पे दिन के वक्त आते हैं, सुबह के टाइम
यानी कि सुबह 7 बजे से ले कर वो 11-12 बजे से पहले पहले वो यहाँ से जो भी निज़ाम है अपना गुजरते हैं या कोई काम करने आते हैं वो चले जाते हैं, उसके बाद उनका बंद हो जाता है आना जाना, क्योंकि ये काफ़ी जगह मशहूर है जहाँ पे इस वक्त मैं और पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है। तो हम माफ़ी मांगते हैं अगर कोई गलती हो जाए। तो ये चीज़ें सब यहाँ पर हो रही हैं। अभी 2 से 3 मरतबा वहाँ से आवाज़ आई है, पता नहीं हमें या इंसान की या किसी मकलूछा दे। तो कोशिश करते हैं जो नज़र आएगा हम आपको कैमरे में दिखाएँगे, उसके बाद वहाँ पर चलेंगे जहाँ पर अल्लाह की मखलूक है तंग करने वाली, जिसको मना फरमाया बाबा जी ने कि यहाँ पे आप चले जाओ यहाँ से। ये तो देखो यार इसकी जड़ें, हाँ जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा हैं यार। यार रात को ना यहाँ पे खड़ा होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, हम इतनी रात को यहाँ पे खड़े हैं, आम आदमी का काम नहीं है ये। आम आदमी का काम नहीं है भाई आदमी, और आप लोग बिल्कुल भी अब सपोर्ट नहीं करते, तो यकीन माने काम करने को दिल नहीं करता। यहाँ पर 2 कब्रें हैं, टफ हाल है मेरे, और ये अगरबत्तियाँ लगी हुई हैं और जाले लगे हैं इसको। कौन है? भागने की आवाज आ रही है। कौन हो? ये कोई चीज भागी है, भागने की आवाज आ रही है। चलो आओ विकास, ऊपर है कुछ देखो। ऊपर जड़ें नजर आ रही हैं यार, और आवाजें ये भागने की। चलो आगे। अभी तो बिल्कुल गाइस आवाजें आना बंद हो गई हैं, पहले हमें आवाजें आई हैं, अब बिल्कुल नामो निशान नहीं है। उधर बार की तरफ सुनो, कौन? दरख्त सूखा हुआ है। ओए आवाज आती है, पता नहीं अब ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, बड़ी बारीक सी आवाज है। ये दरख्त सूखा हुआ है। ओए आवाज आती है, पता नहीं अब ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, बड़ी बारीक सी आवाज है। ये आप देखें कि ये दरख्त जो है ना पूरे सूखा हुआ। बताया जी भी यार ना कि यार जो भी बाबा जी के हदूद से चीज़ें बाए ने वो बेजान है इस वक्त। एक आपने ये दरख्त देखा है, एक वो देखो, ये दिखाओ, उस पर तो हरियाली बिल्कुल नहीं है, उसमें जान भी पता नहीं है या नहीं है, और अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से भी। हम होकर आए हैं तो कोशिश करते हैं कि और मज़ीद आपको दिखाएँ कि यहाँ के क्या मामला थे, क्या वो लोग सच कह रहे हैं या झूठ मार रहे हैं कि ये फिर आई आवाज़ उसी एरिया से। उसी एरिया से कोई आवाज आई है। चलो इधर आओ। लाता है तो ये ठेठ। चलो ढाबा ले, ढाबा पानी आ रहे हैं दे। कौन रहा था? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हू अकबर। हां ये जी माशाल्लाह बड़ी मानी हुई और पहचानी हुई हस्ती ये ढाब, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला इतनी प्यारी खुशबू अंदर भाई सूर्य आई और बाल उठे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और माफी मांगते हैं और सलाम करते हैं इनको। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर देते हैं यार। मट्टू ही फूरा मदी।
ये जो अभी आपको मज़ार दिखाया हमने, इन्हीं की वजह से मामला ख़त्म हुए हैं, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोग ये काश मुझे करी भी यहाँ पे आवाज आई है इधर से, ये नहीं करते। ये है? यार ये उधर से, इधर से, इधर से, ये जो जहाँ पे दरख्त है इधर से आ रही हैं आवाज़ें। ये है ना, ये दिखाना, ये काफी ज्यादा पुराना है, सालों पुराना है हैंडपम्प, हाँ सालों पुराना है। बहुत पुराना है यार, लेकिन पानी का निज़ाम क्यों बंद किया? शायद ये इसलिए किया होगा कि लोगों को आना जाना शुरू होगा तो उनके साथ मामला तो होंगे, इसको तभी बंद किया हुआ है। हाँ तो चलते हैं उस तरफ, विकास आ गया। आगे की तरफ हाँ जाते हैं, खुरी बामाते और मठू बेटा जा तब भी दे। बोल रहे जब शैतान नजर आता है। ओए कुएं ओ कौन हो? वाला बाटू ही लाइल से आवाज आई है मुझे लग रहा है। ओए ओ कौन हो? इस कुएं से आवाज आई है मुझे लग रहा आवाजें तो आ इधर से रही हैं है। ये यार, सूखे हुए हैं सारे देख रहे हो, ये सूखे हुए मतलब जो हैं। ये दरबार की हदूद से जो भी चीज है ना बाहर वो सब सूखी हुई है, और मतलब दरबार के अंदर की हदूद में सारा कुछ मतलब ग्रीन है और वीरान नहीं लग रहा है। दरबार की हदूद से बाहर ये देखें वो दरख्त ग्रीन है, ये भी ठीक है पत्ते वत्ते। ये लो, जैसे नाम लिया तुमने यार, क्या था वगास? अच्छा एक चीज नहीं आपने यार नोट की, ये देखो दरख्त का जो झुका हुआ है बाहर की तरफ है, बोर्ड के दरख्त की पत्थर, और पत्थर पत्थर ये दरख्त भी कितना खौफनाक लग रहा है। वो यही तो बता रहा हूँ टी ना कि बाहर की साइड टी पे पे झुका मासी हुआ रहते है, रहते हैं हदूद के अंदर वो झुका नहीं है। हाँ वो यही तो बता रहा हूँ ना कि बाहर की साइड पे वो झुका हुआ है, हदूद के अंदर वो झुका नहीं है। वो और ना चला आई ना मई के लिए था कोई तो होगा ना, तो सामने नहीं आ रहा कोई तो अभी। होगा। ये क्या है यार, आग जलाने के लिए बनाया हुआ है? ये झाड़ियों के पीछे से गाय की आवाज आ रही है, आ रही है यार, किसी भैंसे की इतनी आवाज आ भारी रही है। आवाज है। कौन है इधर, कौन है? हेलो कौन है यहाँ पे? इधर 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 आओ, इधर आओ। समझ में नहीं आ रहा, तुमने भी आवाज सुनी, मैंने भी सुनी यार। किसी गाय की आवाज आई है। ये वो ये हिला 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 वाले हिला। कौन है भाई आप? वो ये हिला 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 हिला। कौन है भाई आप?
दी यहाँ पे। यार ये तो वो मसले हैं जो हमने मतलब सुने ही नहीं थे, ये तो हमारे साथ अब होने लग गए। अभी तो उस तरफ ही नहीं गए यार हम। हाँ उस तरफ गए नहीं हम। जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो मामला ठंडे पड़ जाते हैं यार। है कौन इधर, कोई है? देखें आप जो भी हैं हमसे बात करें। गैस यहाँ पर किसी चीज़ के होने का एहसास हो रहा है। और अपने होने का एहसास दे रही है लेकिन उस बाउंड्री के अंदर नहीं। हालांकि ये जो दरख्त है पीछे ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। ये पकड़ी यार, ये जो देखने में लग रहा है दरख्त काफ़ी हॉन्टेड लग रहा है। हालांकि दरख्त जो है 300-400 साल पुराना लग रहा है, पार्टीशन से पहले अंग्रेज़ों के दौर का दरख्त लग रहा है। लेकिन उस दरख्त के अंदर कुछ भी नहीं है, अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग होंगे जो भी हैं। अब इधर से कोई आवाज़ आई, आवाज़ें आ रही मुसलसल यार यहाँ पर। इस जो है दरबार शरीफ की हदूद के बाहर हमें कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है। कौन है? जाला लगा हुआ दरख्त को यार। तो ये आई प्यों नहीं लाम दे। ये आवाज किसकी आ रही है? हैं? पता नहीं यार। समझ नहीं आ रही। यहाँ से कोई कीड़ा वड़ा भी हो सकता। कांटो वाला दरख्त है यार, इसको भी जाला लगा हुआ। देखो जरा विकास। तो गाइस यहाँ से मुसलसल आवाज़ें हमें आ रही हैं, शायद कुछ जानवर है या कोई इंसान है। जो कि समझ नहीं आ रहा मुझे, हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। चलो घूम के इस तरफ से चलते हैं। ओ हो, ये उधर से आ रही है बकास यार, मुझे समझ नहीं आ रही। ओए होए होए होए, देखो ये क्या है। अब यहाँ के जो मामला तो आपने देख ही लिए हैं यार, आग भी लगी हुई है, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं और नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। तो कोशिश करते हैं गाइस, अब उस लोकेशन पे जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। इस घर के बारे में बताया जा रहा है ये जी बड़ा अरसा पुराना ये बोर्ड का दरख्त है। अभी यहाँ पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं लगी है क्या। दरबार की तरफ कैमरा देना जरा रोशनी। तो ये मैं छोटा हो रहा हूँ। सन्नाटे के साथ खौफ है बस, वो भी हदूद से बाहर, हदूद के अंदर नहीं। ये अब नज़ारा देख लें यहाँ पे, ऊपर का नज़ारा चांद का दिखा दे। ये देखो यहाँ पे बताया, नजर आ रहा है कि कितना खौफ है दरख्तों पे। काफी खौफ है दरख्त से और वो देख चांद का नजारा वो। हाँ। कैसा है? ओए वो हाँ। देख ये क्या था, ये कहाँ से आया विकास? पत्थर ऊपर से गिरा पा रहा है। क्या होगा? और ओए होए,
इस तरफ चले जरा, चलो। हाँ किसी के रोने की आवाज आ रही है। आ रही है मुसलसल ही यार, किस तरह से? ओए उधर से आ रही है यार, सर इधर आओ। कौन है यहाँ पे? आवाज आवाज रोने की आवाज, ये उस घर से मेरे ख्याल से कोई आवाज आ रही है। टीला चलो उस घर की तरफ चलते हैं। यार तेरा दिमाग खराब, आगे जाएगा तू? असद आगे नहीं जाना, एक मिनट हो तो ਦੀ ਮਈ ਮਾਰਦਾਂ ਨੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੋ ਲਾਈ ਲੋਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੌਣ ਰੋ ਰਿਹਾ? आगे ना है। कौन है आप? बुजुर्गवार कौन है यहाँ पे? आप खामोशी हो गए। चादर पड़ी हुई ऊपर, वो देखो हमने इधर गौर नहीं किया। कोई रो रहा है, रो रहा है औरत की आवाज में। वकास वो पीछे पीछे वाली साइड से आवाजें आ रही हैं। जरा कवर करो जरा उधर से वकास भाई। आ गया तो पे अचीव है ना। देखें अगर आप जो भी हैं यहाँ पे हमारे सामने आए। कौन रो रहा था यहाँ पे? कोई है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यार इधर। पर कोई रो तो रहा था यार, आवाजें आई हैं यार बकायदा तौर पे। तो विकास कह भी रहा है कि आगे ना जाना यार। हो क्या रहा है? असद यहां से निकलो। चलो गाइस, सिचुएशन आपने सारी यहाँ की देखी है पीछे से ना, जो हो रहा है आवाजें आ रही हैं पीछे से। मैं पीछे की तरफ देख नहीं रहा अभी भी। ये फिर शुरू हो गया काम। मतलब कि कोई बात है यार, हमें उस घर की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा। हम जब भी वहां पे जाते हैं तो पीछे से कोई मामला क्या माजरा है यार। और एक चीज और नोट करो कि बेरी का दरख्त और बोर्ड का दरख्त दोनों एक साथ हैं। हाँ यहाँ पे ये हमने देखा ही नहीं था। चलो आगे चलो जरा।
तो गाइस आपने देखा यहाँ तक पहुँचे हम, तो हमें रोने की आवाज़ें आईं। बाकी हमने आपको दिखाया वहाँ पे कोई भी नहीं था अभी, तो ये लो फिर आ रही। एक मिनट चुप, लाइट बंद कर देंगे। चुप चुप करके जा, चुप करके चला। ओ बकास आ गया। ये देखा ना ठीक, इतना मैं पी रहे हैं दोबारे को। चुप 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 बोलना नहीं है। कौन रो रहा है? कौन? लड़ा लड़ा बाफे डाले। आवाज दरख्त के अंदर से आ रही है, हैं? इसके अंदर से आ रही आवाज? वो अंदर से आ रही है आवाज, वो देख सामने। वो सुराख के अंदर से। तो बैठ है हमारा। ये क्या हो रहा है? यार मुझे समझ आई है ये क्यों आवाजें आ रही हैं। क्यों? कैद किया हुआ यार। ये क्या? सुने सुने हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? आवाजें देखें, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हमें कोई नजर नहीं आ रहा। बाबा जी ने इनको बांध के रखा होगा। तो बे है मालाम दे। चल 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 आजा आजा, ये काम जो हमारे पास कोई था कंधे तक है यार है। अबे रे इधर इधर बकास बकास, रुक रुक चल। वो क्या हुआ बकास? इसको क्या नजर आ रहा है? बकास को कुछ नहीं। ओए भाग भाग। अरे